नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अजय क्या माँ? जा तो रहे हो मगर खबरदार जुड़े सिंह कार को हाथ लगाए। कमाल है माँ, मैं तो काम से जा रहा हूँ, माल ट्रकों में लाद कर मार्केट ले जाना है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, रेसिंग कार है कहाँ? वो गैराज में ही होगी माँ, मैंने तो 6 महीने से देखी ही नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। मना करने पर भी अजय गाड़ी निकाल कर ले गया। मैं पूछती हूँ तुम लोग किस काम के हो? मगर मालकन कुंवर साहब का भी तो हुक्म। कुंवर साहब का हुक्म तुम टाल नहीं सकते। और मैं जो बरसों से चिल्ला रही हूँ कि ये गाड़ी अजय को नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, वो कुछ नहीं। मगर मालकिन खामोश, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। टाइगर तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब अजय आ जाएगा तो मुझे पहले खबर कर देना। जगदम्बे मालकिन, आखिर ये लोग नौकर ही तो हैं। आपने हुक्म दिया, सर आंखों पे ले लिया इन्होंने। कुंवर साहब ने आज्ञा दी, गर्दनें झुक गई इनकी। अब इसमें इनका क्या कसूर है? कसूर इनका नहीं, हमारा नहीं, फिर किसका है?
उमर साहब के जवान खून का मालकिन, हम लोग जिसे खतरा समझते हैं ना, जवानी उसे खेल समझती है। खेल, इसी खेल ने तो मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। पति को तेज से तेज घोड़ा भगाने का शौक था, सो मेरी मां का सिंदूर मिट गया, अब बेटे को तेज से तेज गाड़ी भगाने का शौक। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, वो तो चली गई। हाँ? जी हाँ, वो चली गई। चलिए। कहाँ? अपनी मंजिल की तरफ। मेरी मंजिल तो खुद चल के मेरे पास आई है। जी टेंगू, जानते हो वो कौन है? जी मैं नहीं जानता, मुझे क्या मालूम वो कौन है। तुम्हारी भाभी। क्या कहा? मेरी भाभी? टिंगो, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से। ओ, उस लड़की से जिसको आप जानते तक नहीं, जिसका पता तक नहीं मालूम, जिसका नाम तक नहीं मालूम। वाह ठाकुर साहब वाह, उस लड़की से शादी करेंगे आप? ठाकुर साहब, अगर गुस्ताखी न हो तो एक बात अर्ज करूं, आप उसे पाइएगा कैसे? जब देख लिया तो छुपेंगे कहाँ, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। जब देख लिया तो छुपेंगे कहाँ, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। सांसों में है दिल पे, है दिल पे उन्हीं कदमों के निशान, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। इस राह से जो गुजरे हैं अभी,
साया है उन्हीं का फूलों पर वो झूल रहा है उनका बदन देखो तो घटा के झूलों पर उनसे ही तो है उनसे ही तो है रंगीन समा उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं बात नहीं अब हम हैं और ये दोनों जहां उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं जब देख लिया तो छुपेंगे कहां उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं के बच्चे हम पर चौकीदार कर रहा था चल भाग यहां से माँ तू अभी तक जाग रही है गाड़ी की चाबी गाड़ी की चाबी अरे अरे क्या माँ की भाग्य रेखा है ऐसी रेखा तो मैंने किसी के हाथ में नहीं देखी अरे उल्लू क्यों ना हो माँ को मुझ जैसा बेटा जो मिला है माँ तुमने कहा था ना कि गाड़ी नहीं चलाना आज माँ मैंने बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाई लेकिन इस टिंगू ने मुझे बहुत तंग किया है मुझे कहता मुझे गाड़ी चलाना आता है मैंने कहा चलो बैठो स्टेरिंग पे मगर माँ जब ये स्टेरिंग पे बैठा तो ना इसे फर्स्ट गियर लगाना आता है ना सेकंड गियर लगाना आता है ना थर्ड गियर लगाना आता है ना रिवर्स गियर लगाना आता है और माँ इसकी टांगे इतनी छोटी हैं कि इसके पाँव एक्सीलेटर तक पहुंचते ही नहीं थे फिर मुझे आया गुस्सा मैंने उठा के इसको गाड़ी से बाहर फेंका और खुद स्टेयरिंग पे बैठ गया लेकिन मुझे याद था कि मेरी माँ ने मुझे कहा है गाड़ी कभी नहीं चलाना और माँ मैंने गाड़ी फिर भी नहीं चलाई मैंने इसको कहा चलो गाड़ी को धक्के मारो इससे धक्के लगवाते यहां तक पहुंचा इसलिए देर हो गई माँ गाड़ी की चाबी आज छोड़ दिया है तुम्हें टिंगो लेकिन आज के बाद फिर कभी इस गाड़ी के मामले में अजय का साथ दिया तो चमड़ी उधेड़ दूंगी तुम्हारी मालकिन गाड़ी तो बंद करा दी आपने और ये ठीक ही किया लेकिन कुंवर साहब का बचपना इतने से न जाएगा मेरी राय में आप कुंवर साहब को ही बंद कर दीजिए घर में बहू रानी को ले आइए मैं तो आज बहू ले आऊं लेकिन वो माने तब ना जगदम्बे अजय
एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ इन्हीं 6 हफ्तों के अंदर अंदर। माँ ये शादी तो ठीक है, लेकिन ये 6 हफ्ते क्यों? इसलिए कि उसके बाद तारा डूब जाता है, फिर साल भर तक कोई शुभ लगन नहीं। अजय तुम्हारी शादी होगी और इन्हीं 6 हफ्तों में होगी। 6 हफ्ते तो है ना माँ? हाँ है। वंडरफुल, 6 हफ्तों में तो दुनिया बदल जाती है। मुझे तो सिर्फ उसका नाम और पता ढूंढना है। किसका? आपके आने से हमारे शो की रौनक बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू मगर मिल गई मेरी। तकदीर की बात है। तकदीर की बात है मारिए। इतना जीत चाहिए मारिए, मगर शो के बाद आपको मुझसे माफी मांगना पड़ेगी। मेरे घुटनों को हाथ लगाना पड़ेगा, मेरा ही चमचा बनना पड़ेगा। Party, Sahira,
टेलीफोन नंबर 4268। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हेलो, नमस्ते जी। ये वही आदमी है जो नाम और पता पूछ रहा था। बड़ा मनचला मालूम होता, अभी खबर लेती हूँ। जाने दो, बात ही मत करो। अरे तुम देखो तो। हेलो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, और क्या परफॉर्मेंस थी। अभी तक मेरी आंखें वही इमेजिन कर रही हैं। मैंने टेलीफोन इसलिए किया था कि आपको मुबारकबाद दे दूं। मैंने पहचाना नहीं आपकी तारीफ। अजी, हमारी तारीफ क्या होगी, हम वही हकीर फकीर नाचीज हैं जो आपका डांस देख रहे थे और जी चाहता था कि आपका डांस आपका नाच ऐसे ही चलता रहे और हम आपको हमेशा हमेशा ऐसे ही देखते रहें। आपको कोई गलतफहमी हुई है, डांस मैंने नहीं मेरी बहन आशा ने किया था जो इस साल शांति निकेतन से सीख के आई है। वाह 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 वाह, कमाल किया उन्होंने, कमाल किया। देखिए, आप एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए, अपनी बहन को ये सिफारिश कीजिए कि बंदा उनको मिलना चाहता है। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, तशरीफ ले आइए, मुलाकात हो जाएगी। अरे ये भी आपका घर है। तो कल 4 बजे हाजिर हो जाऊं? हाँ हाँ आ जाइए, हम लोग घर पर ही हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बाय बाय। तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? ये साहब बड़े दिल फेंक मालूम होते हैं, कॉलेज आते हैं लड़कियां पसंद करने जैसे आलू खरीदने जा रहे हैं। इनकी तबीयत ठीक करनी चाहिए। नहीं नहीं कल्पना, तुम दिल लगी कर रही हो, न जाने ये साहब क्या समझ बैठे। ओहो तुम घबराओ मत, सबसे पहले इनकी मुलाकात पिताजी से करानी चाहिए। तुम पागल हो, अभी देखो रामू। लेकिन पिताजी तो दिल्ली गए हुए हैं। अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। जी बीबी जी, तुम कौन हो? मैं आपका कुक खानसामा और बावर्ची हूँ, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? हाँ भूल ये हुई कि तुम हमारे बावर्ची नहीं पिताजी हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हमारे झूठ मुठ के पिताजी बनना। नहीं नहीं, मैं बावर्ची ही ठीक हूँ, इस नए रिश्ते की क्या जरूरत पड़ गई बीबी जी? जरूरत पड़ गई इसीलिए तो कह रही हूँ। कल 4 बजे हमारे यहाँ एक साहब आने वाले हैं, उनके लिए मैं और आशा दोनों तुम्हारी बेटियाँ, तुम हमारे पिता बनकर उनसे खूब बातें करना। क्या बातें करूँ? जो तुम्हारा जी चाहे, मगर इतना याद रखना वो जरा कानों से ऊंचा सुनते हैं। बूढ़े आदमी है क्या? है तो जवान, मगर बेचारे कानों से मार खा गए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब भुगत लूंगा। आपकी बड़ी बीबी जी ने मुझे बुलाया है 4 बजे। ओ, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, आप कल्पना है ना? हाँ, बड़े पंक्चुअल हैं आप। राइटिंग टाइम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम इन। अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने पिताजी से भी कहा था, वो भी सुनकर बहुत खुश हुए हैं। अच्छा, वो आपको अच्छी तरह जानते हैं जी, आपके खानदान को। ओह आई सी, बैठिए ना। थैंक यू। माफ कीजिएगा, आप बैठिए ना। पहले आप बैठिए। चलिए हम दोनों ही बैठ जाते हैं। आपकी बहन? पिताजी। आया बेटी। एक बात याद रखिए, पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं, जोर से बात कीजिएगा, बहुत जोर से। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। जाओ ना। पाला के लाला जी। अरे अरे बहुत क्यों चढ़ाते हो? विराजिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना। अच्छा बीबी जी, पिताजी। जी आप भी बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अंदर कुछ काम कर रहे थे आप? जी मैं आलू मटर, मेरा मतलब है आलू मटर। समझ गया समझ गया, आपको आलू मटर बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हें कोई और भी भाजी पकाने, मेरा मतलब है खाने आती है। आप चिंता ना कीजिए लाला जी, जो कुछ आपकी बेटी बनाएगी मैं बड़े प्रेम से खा लिया करूंगा। अजी बेटी क्या बनाएगी, एक दिन मेरे हाथ की, मेरा मतलब है आप अपनी माता जी को साथ क्यों नहीं लाए? जी
अभी वो मंदिर चली गई थी पूजा के लिए, आपकी लड़की की बड़ी तारीफ कर रही थी। लड़की? मेरी तो कोई लड़की नहीं, मगर आपकी कितनी लड़कियां हैं। लाला जी क्यों मजाक करते हैं आप, मैं तो अभी तक कच्चा कुंवारा हूँ, मेरी शादी कहाँ हुई है? अजी शादी तो मेरी भी नहीं, मेरा मतलब है मेरे घर में कोई शादी नहीं, मगर आपकी शादी जरूर होगी, जरूर होगी। आपके जंगल का क्या हाल है? जंगल? अजी खुशहाल है, माला माल है, वहीं पर कायम है। मेरा मतलब यह है कि बाजार कैसा है? बाजार बहुत बुरा है, देखो ना आलू 2 रुपए किलो, टमाटर 3 रुपए किलो, बताओ आप खाएंगे क्या और मैं पकाऊंगा क्या? मेरा मतलब है। समझ गया मैं आपका मतलब, समझ गया। आपका मतलब यह है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अजी गरीबों का बहुत बुरा हाल है, और लाला जी अमीरों का भी बहुत बुरा हाल है। लाला जी, जी अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक गिलास पानी का मंगवा दीजिए। ये हालत है मुलाकात के बाद, ऐसा लगता है पूरा प्यार गले में अटकते होंगे। आवाज भी कौन? मैंने शेरी फरहाद पढ़ा, लैला मजनू पढ़ा, रोमियो जूलियट भी पढ़ा, इश्क ने बड़े बड़े रंग जमाए, मगर ऐसा इश्क मैंने दुनिया की किसी हिस्ट्री में नहीं देखा सरकार, जिसके पहले हल्ले ने आशिक का गला दबा दिया हो। तुम बकवास मत करो या नहीं। हेलो अजय जी, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं अभी अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। हमारे बारे में सोच रहे हैं? हाँ सोच रहे थे, आप तो पिताजी से बातों में ऐसे मसरूफ हैं, हम लोगों को भूल ही गए। ऐसी बात तो नहीं है। आपने चाय नहीं पी, कल आप हमारे साथ चाय पियेंगे जी। कितने बजे? वही 4 बजे, आप आइएगा। अच्छा बाय बाय। बाय बाय। बंद करो ये नाटक, तब तक उसे परेशान करती रहोगी, इन्हें घर तक छोड़ना चाहिए, फिर इसका नाम नहीं लेंगे। बाय बाय। रामू जी, बीबी जी। बोल क्या गोंद? कौन बीबी जी? अरे वो शीशी माँ पड़ी है ना वो। और सुनो आशा बीबी जी को देना। आशा तुम इसकी आधी बोतल गुलाब जामुन में डाल दो। नहीं नहीं, अरे वो ही रंग है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, डाल दो। रामू मिर्ची ले आओ जल्दी से। लो बीबी जी, मिर्ची। हाँ ले आओ। लो बीबी जी। अरे इतने मिर्ची? हाँ इसके ऐसे दही बड़े बनाओ, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि इतनी मिर्च है। और सुनो वो नीम के पत्ते है ना, उसकी चाय बनाओ। अरे वाह, इतनी सारी चीजें और सब मेरे लिए? ये सब आशा ने बनाई है, बेचारी सुबह से लगी रही थी। स्वीट, स्वीट। मैंने कहा भी कुछ मदद करो, कहने लगी नहीं सब अपने हाथों से बनाऊंगी। देखिए जी, ये आपकी बहन सिर्फ खाना बनाना ही जानती है या कुछ बात भी कर सकती है? अजीब, बहुत बातें करती है, वक्त आने दीजिए। आशा तुम इन्हें चाय पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जरा काम है। जी, जी। आशा तुम इनकी अच्छी तरह खातिर करना। आप कुछ लीजिए ना। वाह वाह, आप तो बोलती भी हैं। आप दही बड़े पकोड़े गुलाब जामुन कुछ खाएंगे? जो कुछ आप खिलाएंगी अपने हाथों से मैं बड़ी खुशी से खा लूंगा। तो दही बड़े खाइए। लाइए। खाइए ना। जी हाँ जी हाँ। अरे वाह वाह, दही बड़े कितने खूबसूरत बने हैं, कितने खूबसूरत बने हैं जी। आई मीन डिलीशियस, डिलीशियस। पहले आप खाकर तो देखिए। जी हाँ जरूर जरूर। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, क्या दही बड़े बनाए हैं आपने, ये आपने खुद बनाया ना? जी। वाह वाह, क्या बनाए हैं, क्या बनाए हैं आपने, बहुत खूब। थोड़े और दीजिए जी। नहीं
अब आप कुछ मीठा खाइए। जैसे आपकी इच्छा, लाइए। इनको भी आपके हाथ लगे हैं जी? अच्छा, फिर तो बहुत लजीज होंगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। लाइए चाय, लाइए। नहीं नहीं, क्यों? ये तो नीम के पत्ते हैं, चाय नहीं। ये तो नीम के पत्ते हैं, अगर आप जहर भी देती तो खुशी से पी जाता, लेकिन आप एक वादा कीजिए, ये मुलाकात यहीं तक खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर का साथ बन जाएगी। जी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ आशा। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं कल्पना की बहन नहीं, उसकी सहेली हूँ। मैं तो शहर में भी नहीं रहती, हम यहाँ से 30 मील दूर रहते हैं, जहाँ मेरे भाई साहब एक मामूली डॉक्टर हैं, डॉक्टर छिप्पर। ये बोर्ड मैं मरीज। आप तो बोर्ड है। मैं अंदर आ सकता हूँ? Pare, pare na mujhe, pare, jana na 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 na, pare. Doctor Dhav, pare. एक मरीज आया है, मरीज। पा, क्या कहा? मैं मरीज आया है? अरे तो फिर उसको मरने दो, मेरा गाने का वक्त है। पा, अरे तुम्हारी जैसे डॉक्टर के पास आया है तो मर तो जाएगा ही, अरे भगवान मेरे पाँव कहाँ है? पाँव मेरा मतलब चप्पल चप्पल। अरे सुन रहे, वो मरीज किस प्रकार का है? मुझे तो देखने में मरीज ही नहीं लगता डॉक्टर। तो फिर क्या लगता है? वो बहुत लंबा है। अरे तो क्या हुआ, लंबे आदमी बीमार नहीं पड़ते क्या? लेकिन है? वो तो बहुत तगड़ा भी है डॉक्टर। अरे घबरा नहीं, एक गोली खाने की देर है, सब ठीक हो जाएगा, चल चले। मेरी आंखें कहाँ? भगवान आ गए, मेरे मतलब चश्मा, मेरा चश्मा चश्मा चश्मा। अरे तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जा मरीज को पकड़ कर रख, बाग में जाए बाग बाग चश्मा। अरे इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, नहीं, कहां गया? अरे मरीज साहब कहां गायब हो गए? अभी तो आपने डॉक्टर साहब की गोली भी नहीं खाई। क्यों क्यों, डॉक्टर साहब आ गए? ओ, अरे आप यहां, ये तो मेरी जगह है। तो फिर मैं यहां कैसे आ गया? अरे ये तो मुझे पता नहीं, देखिए मेहरबानी करके आप बाहर आ जाइए, नहीं तो डॉक्टर साहब आपको कंपाउंडर और मुझे। तेरी पायल। अरे आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ माफ कीजिएगा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, दरअसल मैं फंस गया था, कुछ डॉक्टर लोग आसाम से मेरी सलाह लेने के लिए आ गए। कमबख्त ये शोहरत भी बहुत बुरी चीज है, लोग एक मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठने देते। हाँ तो आप फरमाइए कि आपको। अबे ओ उल्लू के पट्टे, तू यहाँ क्यों बैठा है? उठ खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अब बता मरीज कहाँ है?
अरे तू बीच में कहां गर्दन डाल रहा है, बाहर निकाल तू फिर गर्दन बीच में डाल रहा है, मरीज कहां है ये बता। नमस्ते जी। नमस्ते, आप बैठिए बैठिए तशरीफ रखिए। तो फरमाइए आपको क्या तकलीफ है जी? बड़ी गहरी तकलीफ है। गहरी क्या मतलब जी? दिल में हल्का हल्का दर्द रहता है। दिल का दर्द और इस छोटे से उम्र में? जी ये दर्द इसी उम्र में होता है। मेरा मतलब है, डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, कहो कहो। कह दूं? कह दो जी। मेरा मतलब है मीठा मीठा दर्द। ओ मीठा मीठा दर्द है, मगर बरखुरदार ये दर्द भी कोई खाने की चीज है जो खट्टा मीठा होगा? खैर कोई बात नहीं, तुम आगे बताओ और क्या होता है। चलो बता जी। नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? और सपने आते रहते हैं। सपने? अरे बरखुरदार, जब नींद ही नहीं आती तो सपने कहां से आएंगे? जी जब सपने आते हैं तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सपने आते हैं। नहीं आती, सपने आते हैं, सपने नींद। खैर कोई बात नहीं, सपने किस प्रकार के आते हैं? जी बड़े खुशगवार, बड़े सुंदर। तुम्हारा मतलब है कि फूल, बागीचे और कुछ झरने, झीले, पहाड़ वहाड़, ऐसी चीजें? इससे भी सुंदर। इससे भी सुंदर? हाँ समझ गया समझ गया, लड़कियों के सपने आते हैं। जी नहीं, लड़कियों के नहीं, सिर्फ एक लड़की के। वो लड़की कैसे है जी? वो कैसी है, उसका रूप रंग कैसा है, काली है, गोरी है, उसका हुलिया क्या है, नैन नक्श कैसे हैं? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं? देखो बरखुरदार, ओ बरखुरदार, क्या तुम्हें फिर सपना आने लगा है? डॉक्टर साहब हाँ, सपना सच हो गया। सच हो गया? देखो बरखुरदार, तुम किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। सिर्फ आपके पास मेरा इलाज है, मेरा मतलब है आप दोनों के पास। हम दोनों के पास? अरे क्यों बे, है इलाज? नहीं है, नहीं है बरखुरदार, मैंने तो डॉक्टरी छोड़ दी हुई है, मैं तो आज कल चटनी रगड़ता हूँ, पक्के गाने गाता हूँ, बाजे बाल। आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिएगा, इसमें मेरे दिल की हालत है लिखी हुई, आप जरा गौर से पढ़िएगा, मेरा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कदा कहीं का पागल को मरीज बनाकर यहां बिठा दिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप मुझे नहीं जानते, मगर आप हमारे खानदान से वाकिफ जरूर होंगे, मगर मैं तो कभी पागलखाने किया नहीं। खाक सार पद्मपति घराने का चिराग है ये, ठाकुर वरिंद्र प्रताप सिंह जी का इकलौता बेटा है। मैं कुछ और ही समझ गया, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, मगर दिल के हाथों मजबूर हूँ। ओह मैं आपकी छोटी बहन आशा को जी जान से प्यार करता हूँ। आशा और प्यार? मैं आशा से शादी करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो अपने संसार को स्वर्ग बना लूंगा। ओहो आपका दास अजय। अरे ओ शांति शांति, दवाखाने में मरीज की जगह मजनू आ गया। मजनू मैं जाता हूँ, शाम को वहीं मिलेंगे, तुम सब संभाल लेना। ओके बाय बाय। आई लव यू। अरे जानती बाजे रिपायल, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक पागल रईस आया था, कहने लगा कि मैं शांति से शादी करना चाहता हूँ। मेरा मतलब कहता था कि मैं आशा से शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो? पद्मपति घराने का लड़का है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये हाथी बांधोगे कहा, इतनी हैसियत है तुम्हारी? अरे गोली मारो हैसियत को जी, अगर वो पैसे का रईस है तो हम भी दिल के रईस हैं, लड़का मिल गया बाकी भाग्य की बातें हैं। अरे पहले लड़की से पूछ लेना चाहिए। आशा, अरे ओ मेरी आशा, इधर आ इधर इधर। तूने वो लड़का देखा? कौन लड़का? अरे वो अभी जो मुझे चिट्ठी देकर गया है। नहीं झूठ बोलती है, पता तुम्हें पसंद है। बोल बोल ना।
जानती, इसे पसंद है। याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं भी ऐसे ही शर्मा कर चला गया था। आशा, क्या बात है आशा? भैया ने क्या कहा? मेरी चिट्ठी पढ़कर बिगड़ तो नहीं गए? सब ठीक है ना आशा? आशा, आशा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अजय, कुछ भी ठीक नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? भैया ने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ। लेकिन क्यों, किस लिए, क्या कमी है मुझमें? मैं अपने भैया के कहने के बाहर नहीं जा सकती आशा। बस यूं ही समझिए तो अजनबी थोड़ी देर के लिए जिंदगी के दौराहे पे मिले, फिर अपनी अपनी राह पे चल दिए। मुझे भूल जाइएगा अजय। ऐसा ना कहो आशा, ऐसा ना कहो। आशा, तुम्हारी आंखें तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रही। तुम कुछ कह रही हो आशा, और तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। आशा सच बताओ आशा, क्या हुआ? प्लीज आशा प्लीज। अरे पागल, भैया मान गए हैं, मान गए हैं, मान गए हैं। भैया मान गए हैं? भैया मान गए अजय, अजय, अजय। भैया मान गए? मान लीजिए, अगर भैया ने इनकार कर दिया होता तो मैं मर गया होता। जाइए जाइए, दो चार महीनों में आशा भूली हुई कहानी बन जाती, दुनिया यूं ही रहती, हवा यूं ही आपके बालों से खेलती रहती, फूल यूं ही खिलते, नजारे यूं ही रंगीन रहते। ये तो सब कुछ होता आशा, लेकिन ये आंखें कहां होती जिनमें डूब कर मैं ये सब कुछ देख सकता। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ऐ मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है?
जमाने की तस्वीर है। चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक बात बोलूं, तुम बहुत अच्छी हो। अरे वाह, क्या बात है, आज माँ बड़ी अच्छी लग रही है। माँ क्या बताओ, तुम इतनी अच्छी हो कि बहुत ही अच्छी हो। और माँ तू तो अच्छी हो ही, लेकिन ये तुम्हारा बेटा है ना, ये भी थोड़ा सा अच्छा है। कैसे? जिस बात के लिए तुमने मुझे 6 हफ्ते का टाइम दिया था ना, वो बात तो मैंने 2 हफ्ते में यूं पूरी कर दी। कौन सी बात? माँ बस तुम चल के उसे एक बार देख लो, और मैं ये वादा करता हूँ जब तुम उसे देखोगी ना, तो उसे फौरन अपनी बहू बना के घर ले आओगी। ये बात है, मगर बेटा वो लड़की है कौन? माँ ये ना पूछो कि वो लड़की कौन है, ये पूछो कि वो लड़की कैसी है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये बात है तो हम जरूर उन आंखों को देखेंगे। सच माँ? तो ठीक है, मैंने उससे कहा था कि शनिवार के दिन मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर लेके आऊंगा। शनिवार को? हाँ। पागल हो गया है क्या, शनिवार को कोई ऐसे शुभ काम से जाता है क्या? हम आज ही जाएंगे। लेकिन माँ उन्होंने शनिवार की तैयारियां। अजय हम आज ही जाएंगे, जाओ कपड़े बदल कर। बाजे रे पायलिया, बाजे पायलिया, रे पायलिया मोरे पाजे। माफ कीजिएगा, मैं आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। बात यह है कि मैं कुछ बगैर कपड़ों के था, मेरा मतलब है कि घर में कपड़े ऐसे पहनते हैं लोग, कोई सूट वूट तो पहनते नहीं। आप आइए ना, आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपके साहबजादे भी खूब हैं, कल आए कहने लगे कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, और आज आपको यहाँ ले आए हैं। मैंने सोचा कि महलों में रहने वाले ये झोंपड़ों के, खैर कोई बात नहीं। शांति, और शांति, शांति मेरी बीवी का नाम है, नाम शांति है मगर मिजाज की बड़ी गर्म है, दिल की बहुत अच्छी है। शांति, अरे कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। आशा कहाँ है? आशा, ओ आशा जल्दी बाहर आ।
आशा मेरी बहन का नाम है, अभी अभी उसने बीए किया है, इतनी सीधी है, जहाँ बिठा दो बैठ जाती है, जहाँ खड़ी कर दो खड़ी हो जाती है, जो खाने को दो तो वो खा जाती है। आशा 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 बेटी, इनके लिए कोई शरबत पानी लाओ ना, आप क्या पिएंगी? तुम चुप रहोगी तो कुछ कहेगी, बोली जा रहे हो। मैं कहाँ बोलाऊँ, बिंकू बहन जी मैं कुछ बोला हूँ, बेटी इनके लिए कुछ खाने पीने को लाओ, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। अजी आप जा रही हैं? अब हमारा यह क्या काम है, जो देखना था तो देख लिया। जी शादी की तैयारियां जो करनी है आपको ही और हमें। आप जी चलिए चलिए, पाए लगे पाए लगे। ठीक है बेटा, नमस्ते जी, आपके मिजाज कैसे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप, आहिस्ता बोलिए ना। देखिए जी जरा जोर से बोलिए, मैं ऊंचा सुनता हूँ। ये क्या पागलपन है, कोई सुन लेगा तो? सरकार मैंने इल्तजा की है, मैं ऊंचा सुनता हूँ जोर से। आप आहिस्ता बोलिए, मैं जोर से नहीं बोलूंगी। तो क्या हम आपकी मीठी आवाज नहीं सुन सकेंगे, और वो भी आज की रात? क्या हो गया है आपको? आपको नहीं मालूम क्या हो गया मुझे, मैं बहरा हो गया हूँ। बहरे बाप के साथ चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ी थी, जो ना बहरा था ना आपका बाप था, बावर्ची था बावर्ची। अरे बाबा माफ कर दीजिए ना प्लीज। ओहो माफ कर दूं और आपको माफ कर दूं, और वो भी आज की रात। अब बोलो बच्चो ये हमारे पुरखों की तस्वीरें हैं बेटी, सात पीढ़ियों की। इन्हीं के पुण्य प्रताप से इस घर की मान मर्यादा बनी है। मुझे विश्वास है बेटी, इनकी आत्माएं स्वर्ग से आज तुम्हें देखकर आशीर्वाद दे रही हैं। आशा ये हार अब तुम्हारा है, ये हार पीढ़ियों से इस घर की बहू पहनती चली आई है। तुम इस घर की बहू हो और मेरी बेटी। बेटी ये जगह जो खाली दिखाई दे रही है, इस घराने के आने वाले संतान का इंतजार कर रही है, और उस संतान की मां तुम होगी। रीत हमारे खानदान में पुरखों से चली आ रही है कि हर बहू एक नए बाग का पहला पौधा अपने हाथों से लगाती है। अब मट्टी डालो, चलिए डालिए मट्टी। आशा पानी डालो। इस पेड़ में कितने बरस में फल लग जाएंगे? ये अमृत सेब का पौधा है आशा, इस पे फल कोई 7 साल के बाद आएगा। और हाँ आशा, ये सामने वाला बाग देखो, इसका पहला पौधा मेरी दादी ने लगाया था, और इस तरफ वाले बाग का पहला पौधा मेरी माँ ने, और ये मेरी आशा ने। अरे क्या हुआ?
कुछ नहीं आशा, कुछ ख्याल आ गया। एक वक्त आएगा जब कि हमारा पोता अपनी बीवी के साथ यहाँ खड़ा होगा और बड़े फख्र से कहेगा कि इस बाग का पहला पौधा मेरी दादी आशा ने लगाया था। एंड व्हाट ए स्वीट दादी। चलो आइए छोटे ठाकुर साहब। कैसे हैं आप? ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आप नमस्ते। क्यों थापा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा ना, अच्छा। सदा सुहागन रहो बेटी, दूध नहाओ, भूत बोलो, सात बेटे हो तुम्हारे। चाची क्यों जुल्म करती हो, सिर्फ सात। अच्छा चाचा अब इजाजत दीजिए। अभी कहाँ ठाकुर साहब, अभी तो हमारी बच्चियाँ अपनी भाभी का स्वागत करेंगी। बैठिए बैठिए ना। अच्छा अच्छा, अब तो बैठना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो कितनी अच्छी पोशाक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हार जरा तंग कर रहा था, सोचा उतार ही दो।
के रह जाए छाई बरखा बहार परे अंगना द्वार सैया आके गले लग जा छाई बरखा बहार परे समझा। अरे कमबख्त नहाकर नहीं तो मुंह तो धोकर आया कर ताकि मक्खियां ना बैठे। डॉक्टर साहब, मैं पद्मपति घराने से ताल्लुक रखता हूँ और मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मगर मेरी बहन की शादी तो उसी घराने में हुई है। अरे तू बोला ये साला साहब। भैया इलायची ला, बादाम ला, मीठा ला कुछ। आज तो राखी है, मैं भूल गया था। जीती रहो बेटी।
भगवान तुम्हें संभाल के बती रखे। अजय बाबू आपके लिए क्या बनवाऊं मैं? देखिए देखिए साहब, 20 बरस तक आपने आशा को अपनी आंखों में बैठा कर रखा, अब मेरी बारी। बाय बाय। मगर ये कैसे हो सकता है? तो जाइए आशा कर रहे हैं जानती। आशा कहाँ गई? तुम्हें राखी बांध कर चलेगी। कमाल है। कमाल उल्टा नहीं, कमाल तुम्हारा है। मैं पूछती हूँ अकल कहाँ है? जबान संभाल कर करो जी। मैं तो जबान संभाल कर बात करूँगी। हाँ। तुम्हें होश कब आएगा? होश तो है। बहन इतनी दूर से आकर राखी बांध कर चली गई। क्या दिया उसे राखी का? अरे हाँ, वो आज के दिन के लिए तो मैं ये साड़ी लाया था, मगर वो रुकते तो मैं देता ना, चले गए। यहाँ रुक कर करते भी क्या? तुम्हारा थोबड़ा देखते। थोबड़ा? वाह 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 वाह, इतने सुंदर मुखड़े को थोबड़ा कहती हो? याद है वो दिन सुहाग की रात, मेरा मतलब है जब तुमने पहली बार मेरा मुखड़ा देखा था तो बेहोश हो गई थी। हाँ हाँ याद है। आशा। अरे भैया तुम ये अचानक कैसे चले आए? भाभी कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी हैं, तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आप बैठो। ये क्या छुपा रहे? कुछ भी नहीं बेटे, कुछ भी नहीं है। सच सच बताओ। हाँ। भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? भाभी तुम्हारी ने कुछ नहीं भेजा, दरअसल मैं घर से आया नहीं था, मैं बाजार गया था, वहाँ से आया हूँ। बताओ क्या छुपा रहे? कुछ भी नहीं, मैं एक विजिट पे गया था, सच कहता हूँ। बोलो ना क्या छुपा रहा है? कुछ भी नहीं बेटे, मैं नीचे माता जी से मिल के आता हूँ। झूठे कहेंगे, भाभी ने मेरे लिए साड़ी भेजी और मुझे बताया भी नहीं। बताता क्या बेटी, तुम्हारी उन साड़ियों में ये मामूली साड़ी। भैया तुम इसे मामूली कहते हो? मेरी नजरों से देखो, मैं समझती हूँ ऐसी साड़ी स्वर्ग में भी किसी के पास ना होगी। सच कहती हूँ। गरीब भाई का दिल रख रही हो ना बेटी, अगर मैं तुम्हें कुछ देने के काबिल होता। देखो जी, मेरे भैया को गरीब कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, होंगे पैसे वाले दुनिया में, मगर मेरे भैया जैसे राजा कोई नहीं। भैया वो दरख्त है जो 7 साल पहले आपने अपने हाथों से लगाया था। अरे वाह, सच कहता हूँ भाभी जी, आज तक पहली बार इतने सारे फल किसी भी पेड़ में कभी नहीं लगे थे। मुबारक हो आशा, ऐसा लगता है 7 साल यूं ही गुजर गए। बहु रानी पहला पल आप तोड़िए। ये लीजिए। नहीं आशा, ये माँ के लिए है। देखो साहब, इस पेड़ का एक भी दाना बिकना नहीं चाहिए, सब मजदूरों में बांट दीजिए। आओ आशा। मैंने नए बाग में पहला पेड़ लगाया था ना, उसमें फल आ गया है, देखिए कितना सुंदर फल है। कौन सा पेड़? वही जो मैंने शादी के दूसरे दिन लगाया था, नए कोट वाली जमीन में। 7 बरस हो गए लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे 7 दिन हुए हो। तुम्हें लगता है 7 दिन हुए? मुझे तो 7 युग लगते हैं। माजी? जब इस खानदान के बेल में ही फल नहीं आया, इस फल को लेकर क्या करूं? भैया
बच्ची को महलों में ला बिठाया, मेरे प्यार को सुहाग सिंदूर बनाकर मेरी मांग में भर दिया, दुनिया भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी। इतना सब दिया है प्रभु, तू मेरी गोद क्यों खाली है? मुझे माँ बना दो प्रभु, अगर तुमने दया न की तो बच्चे की तड़प इनको भी दुखी कर देगी। मैंने दुखी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। आशा, ये तुम क्या कह रही हो पगली? मैं और दुखी होऊंगा, और वो भी तुम्हारे होते हुए। तुम मिल गई तो मुझे सब कुछ मिल गया, मगर इस घर का चिराग भी तो रोशन होना चाहिए। आशा, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में चल गए। और सुनो, आइंदा कभी ऐसी बात नहीं कहना। दिवाली मुबारक हो जी। आपको भी मुबारक। बस इस तरह दूर दूर से हाथ जोड़ के आज तो मैं 7 बार गले मिलूंगा। 7 बार? जी हाँ, आज हमारी 7वीं दिवाली है। 7 आइए। अब गिनो, जल्दी गिनो ना बाबा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सब ठीक है, घबराइए नहीं, दर्द से बेहोश हो गई हैं। इन्हें कल सुबह तक आराम से सोने दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, वो चेहरा तो ठीक है ना? अजय बाबू, बड़ी किस्मत वाली लड़की है, बाल बाल बच गई। यूं तो प्लास्टिक सर्जरी का जमाना है, अगर कुछ हो भी जाता तो मैं ठीक कर देता। और देखिए, चारों तरफ शोर मचा हुआ है, पटाखे चल रहे हैं, इसलिए मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अच्छा। इन्हें बिल्कुल आराम से सोने दीजिए। अच्छा, तुम्हें चलता। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आशा, आशा कैसी हो तुम? क्या हुआ था मुझे? कुछ नहीं हुआ था आशा, कुछ नहीं हुआ था। तुम बेहोश हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकता, 1000 पर्दों में छुपा हो तो भी देख सकता हूँ। कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा? ओह आई सी, मैंने पर्दे बंद कर दिए थे ना, अब खोल देता हूँ। ओके, बत्ती जलाइए ना। बत्ती? लेकिन बाहर तो सूरज निकला हुआ है। सूरज? सूरज? मुझे 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 कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी आंखें, आशा, जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा है?
क्या कहा? डॉक्टर कहता है कि तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। और एक और खुशखबरी, हम बॉम्बे जा रहे हैं तुम्हारे इलाज के लिए। एक ऑपरेशन और ठीचू 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 मेरी आशा अच्छी हो जाएगी। ओह सो हैप्पी आशा। आओ चले। कुछ चाहिए? मिस्टर अजय, मैं जानता हूं ये आपके लिए बहुत सदमे की बात है, मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जब आंख की रगें जल जाएं, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी अजय। आप रुक क्यों गए? रुका नहीं आशा, दरवाजा बंद कर रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी, 6 महीने के बाद ऑपरेशन होगा। 6 महीने? 6 महीने तो यूं ही बीत जाएंगे आशा। क्यों नहीं बीत जाएंगे? आपका साथ है तो 6 जन्म भी यूं ही बीत जाएंगे। पर मैं सोच रही थी ऑपरेशन अभी क्यों नहीं हो सकता? ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सकता आशा कि 6 महीने तक आंखों में दवा डालनी पड़ेगी, उसके बाद ऑपरेशन होगा। अगर डॉक्टर को यही कहना था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ये डॉक्टर लोग बड़े होशियार होते हैं, उसने सोचा ये बात मैं ही तुमसे कहूँ, और फिर मेरे कहने में और डॉक्टर के कहने में फर्क तो होगा ही। तुम्हें यकीन नहीं आता आशा? यकीन क्यों नहीं आएगा, और फिर आपकी बात पर। अरे हाँ, बातों ही बातों में अपना वादा ना भूल जाइएगा। कौन सा वादा? याद कीजिए। कुछ याद नहीं आ रहा। आप ही ने कहा था जब कभी बंबई जाएंगे तो तुम्हें समुंदर दिखाऊंगा। हाँ आशा, याद आ गया। चलो आशा, मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूँ। चलो। पांव के नीचे नरम और ठंडी रेत कितनी भली लग रही है, और समुंदर की आवाज जैसे कोई दूर से आवाज दे रहा हो। आप भी सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूं। क्या वक्त होगा? सूरज डूब रहा है। फिर तो बहुत सुंदर समा होगा। समुंदर की गहरी नीलाहट, सूरज अपनी किरणों की लाली आसमां के चेहरे पर बिखेर रहा होगा, और सूरज से ऊपर उठता हुआ बादल का टुकड़ा किरणों की लाली अपने किनारों में भर रहा होगा, जैसे किसी दुल्हन की चुनरी में किनारी लग रही हो। और आसमां ऐसा कुछ नहीं आशा, ऐसा कुछ नहीं। कहां की नीलाहट, कैसी लाली, कौन सी दुल्हन? यहां तो पानी का रंग सलेटी, सूरज का चेहरा पीला और आसमान का रंग फीका फीका। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होने लगा? आप मुझे ठीक ठीक नहीं बता रहे हैं। और क्या बताऊं आशा, वही कहूंगा जो महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं। हर चीज बेरंग, हर चीज पर उदासी, और अगर खूबसूरत हो भी तो किस काम की? जो नजारा मेरी आशा नहीं देख सकती, वो फीका है, बेरंग है, बदसूरत है। काश मेरे हाथ भगवान तक पहुंच पाते तो मैं उसका दामन झंझोड़ कर ये पूछता कि तुमने इतना बड़ा अन्याय मेरी आशा के साथ क्यों किया है, क्यों किया है, क्यों किया? बस इतने में ही जी हार के। याद कीजिए, दुनिया की सारी रंगीनी, सारी खूबसूरती आप मेरी आंखों से देख लेते थे, अब ये सब कुछ मैं आपकी आंखों से देख लूंगी। मेरी आंखें न बनूंगी? Thank you.
के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा देना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं। इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं। ये हूँ कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं। जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे, ये हम सफर है तो काफी है इनका सहारा मुझे। होकर जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे। अजय की न कोई खबर, न कोई चिट्ठी, न कोई तार, कुछ समझ में नहीं आता। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था मालकिन। मेरा दिल बहुत बेचैन है। जब तक बच्चे आकर खुशी की खबर ना सुनाए मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। जगदम्बे रक्षा करें मालकिन, लेकिन अच्छी खबर होती तो कुंवर साहब जरूर तार भेजते। खबर नहीं आई है तो डर लगता है कि माँ, आशा बहुत थक गई है, मैं इसे ऊपर ले जाऊं। चलो आशा। दूसरी बहू आएगी और जरूर आएगी, तो जब किसी दूसरी को आना ही है तो अपनी संध्या क्यों ना आए। कैसी अनहोनी बात कर रहे हो भैया, अभी तो पहली बहू। अरे पहली बहू को आए 7 बरस हो गए मगर गोद नहीं भरी, ऊपर से हो गई अंधी। मेरी भोली बहन, मैं कहता हूँ अजय की माता जी इस तरह अपने वंश को डूबते नहीं देखेंगे, और जब किसी दूसरी को सवेली की मालकिन बनकर आना ही है तो अपनी संध्या क्यों ना मालकिन बने।
मैं जानती हूँ भैया, तुम संध्या की भले की सोच रहे हो, लेकिन कहाँ वो कहाँ हम। तो इससे क्या हुआ, हम लोग कोई नीच हैं? अरे हम लोग भी तो ठाकुर हैं, और फिर पहली बहू कौन लखपति के घर से ले आए थे। नमस्ते मामा जी। जीती रहो बेटी, चाय ले आई हो? हाँ मामा जी। मेरी चाय में शक्कर वही एक चम्मच। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सच कहता हूँ लाजो, जब भी बिटिया से देखता हूँ मन बार बार यही कहता है कि इसे तो महलों की रानी बनना चाहिए। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे यह पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा। आशा, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हार के तुम्हारे द्वार आई हूं भगवान, तुम्ही तो इस घर के रखवाले हो, इस घर को बचा लो प्रभु, इस घर को बचा लो। पहाड़ जैसी जिंदगी अजय को सीने से लगाए गुजार दी, कि पुरखों का नाम चलाएगा, बहू ब्याह कर लाई कि वंश आगे बढ़ेगा, बरसों तुम्हारी चौखट पर सर पटका, पर तुम्हें दया नहीं आई प्रभु, तुम्हें दया नहीं आई। जीवन भर की तपस्या का यही फल दोगे भगवान इस विधवा को। जगदम्बे, जगदम्बे, जगदम्बे तो दया करेंगी मालकिन, लेकिन वो भी उसी की सहायता करती हैं जो खुद अपनी सहायता करें। मैं तो सब जतन करके हार गई हूँ मुनीम जी। करने वाली तो जगदम्बे हैं मालकिन, पर मेरी राय तो ये है कि कुंवर साहब और बहुरानी को अलग कर देना चाहिए। अलग? उससे क्या होगा मुनीम जी? समय बड़ा बलवान होता है मालकिन, बाग उजड़ कर फिर हरे भरे हो जाते हैं। अगर जगदम्बे को इस घर का चिराग जलाना होगा तो कुंवर साहब की दूसरी शादी होते इस घर में रोशनी रोशनी हो जाएगी। दूसरी शादी? प्रभु के दरबार में खड़ा हूं मालकिन, अगर इसमें मेरा जरा भी स्वार्थ हो तो कल का दिन देखना नसीब न हो। अगर बहुरानी से दुश्मनी कर रहा हूं तो भगवान इसी समय मुझे उठा ले। ख्याल तो सिर्फ इस घर का है, इस वंश का है, दूसरी शादी के सिवा कोई रास्ता नहीं है मालकिन, कोई रास्ता नहीं। जगदम्बे, कौन चंपा? चाय दीदी जी बनाओ। वो उठ गए, उन्होंने चाय पी है नहीं जी। चंपा सच सच बताओ, कैसे हैं वो? कल रात उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे उनके बाल रुखे रुखे हैं, जाने कब से तेल भी नहीं डाला, कंघी भी नहीं की। कौन ख्याल करेगा उनका? उन्हें खुद को मेरी देखभाल से फुर्सत नहीं, हर वक्त मेरी खुशी देखते रहते हैं, मुझे हंसाने के लिए खुद हंसते रहते हैं। मगर चंपा, उनकी हंसी में कभी कभी दर्द की आवाज सुनाई देती है, मुझे अपने अंधेपन पर जरा पर भी दुख नहीं है। दुख है तो इस बात का कि
कि मेरे कारण उनकी जिंदगी उदास हो गई। आप क्यों पकड़ ली ना तुम्हारी चोरी? बस यही सोचती रहती हो अकेले बैठे बैठे। पगली, मैं और उदास होगा और वो भी तुम्हारे साथ रहकर। चलो चाय पियो। लाजो, मैंने जो बीज बोया था बस उसका फल आया ही जाता है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि मैं यहां से जाकर अजय को किसी न किसी बहाने तुम्हारे यहां भेज दूंगा। आगे संभालना ये तुम्हारा काम है। मेरा मतलब है कि लड़का लड़की आपस में घुल मिल जाए। बस घर जगदम्बे। अजय! आशा, क्या हुआ आशा, तुम तो कांप रही हो। मेरी सिंदूर की डिबिया गिर गई। ओ, कोई बात नहीं आशा, मैं तुम्हें सिंदूर लगा देता हूँ। लो। ठाकुर साहब, माँ जी आपको बुला रही हैं। अच्छा, आता हूँ। माँ को मिलाओ। मालकिन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उमर साहब आते ही होंगे, मैं तो बात करूंगा ही, लेकिन वो बहू रानी को छोड़कर शहर चले जाएं, ये आप ही कर सकती हैं। हाँ बेटा। माँ, तुमने मुझे बुलवाया था? हाँ, शहर से वकील साहब ने खबर भिजवाई, वही पच्छी वाली जमीन के मामले में। उमर साहब, मामला कोर्ट में आ गया है, इसलिए दो एक दिन के लिए आपको जाना ही होगा। लेकिन ये काम तो आप ही करते आए हैं, आप क्यों नहीं चले जाते? मुझे बहुत मान देते हैं कुंवर साहब, लेकिन मामला कोर्ट का है तो वहां मालिक मालिक रहेगा सरकार और नौकर नौकरी रहेगा। ऐसे भी क्या बात है मुनीम जी, हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप जो करेंगे ठीक करेंगे। जगदम्बे जगदम्बे, कुंवर साहब अगर मेरे जाने से काम होता तो मैं आपको कष्ट देता। वो तो सही है, लेकिन लेकिन आशा, मेरा मतलब है इन हालात में मेरा जाना ठीक नहीं। तो ठीक है, तुम दोनों रहने दो, मैं चली जाती हूँ। तुम कहाँ जाओगी माँ? क्यों नहीं, जवान बेटे के होते हुए विधवा माँ अगर जिले के दफ्तर जा सकती है तो कचहरी भी जा सकती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? और नहीं तो क्या, आज कितने दिनों से तुम्हारी सूरत तक नहीं देखी। आशा को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन इस घर को भी तुम्हारी जरूरत है, जमींदारी को भी तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम समझती क्यों नहीं माँ, आशा लाचार है, मजबूर है। मजबूर है, अपाहिज है, इस घर में उसे देखने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, यही ना? मैं जाऊंगी कचहरी। मुनीम जी, तैयारी करवा। मुनीम जी, सरकार माँ से कह दीजिए वो कचहरी नहीं जाएगी। मैं जाऊंगा। जी मेरे हुकुमर साहब। जगदम्बे जगदम्बे। आप कल जा रहे हैं ना? हाँ आशा, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। जब से तुम्हारी आंख, ये पहला मौका है मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। इसलिए तो चाहती हूं कि आप जरूर जाए, नहीं तो सारा दोष मेरे पर आ जाएगा। आशा, दोष कैसा? नौकर जाकर माँ जी सब यही सोचेंगे कि मैं सारा वक्त आपका पल्लू थामे बैठी रहती हूँ, मैंने ही आपको बिगाड़ दिया है। सच्ची तो सोचेंगे वो, तो बाकी तुमने मुझे बिगाड़ दिया है। आप भी मुझे तो दोष देंगे? और नहीं तो क्या, ये सारा कसूर तुम्हारा ही तो है। मैंने क्या किया है ये तो बताइए। आशा, तुमने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मेरी दुनिया में सिवाय तुम्हारे और कुछ नहीं रहा। कहीं जाने को जी नहीं चाहता, बस जी चाहता है तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनता रहूं, तुम्हें छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं ना जाऊं। इनके अलावा और भी तुम्हारे इतने कसूर हैं, अगर गिनवाऊं तो पूरी किताब बन जाए। इसमें आपका भी तो कसूर है। मेरा क्या कसूर है? कसूर एक नहीं, हजार है। एक मामूली गरीब घर की लड़की को झोपड़ी से उठाकर महल की रानी बना देना। मैं अंधी हो गई और आपके रास्ते का पत्थर बन गई, मगर मुझे उठाकर फूलों की तरह आपने सर पर रख लिया। हर रोज अपने हाथों से खाना खिलाना, मेरी पसंद की मुझे साड़ियां पहनाना,
हर वक्त हर पल मेरी आंखें बने रहना, ये सब आपका कसूर नहीं तो और क्या है। मगर मगर मैंने आपको क्या दिया? आपकी पत्नी होते हुए भी मैंने आपको कुछ नहीं दिया। इस घर का चिराग रोशन नहीं कर सकी, फिर भी आपने कभी जाहिर नहीं किया कि आपके दिल में बच्चे की तड़प है। इन कसूरों की सजा तो मिलनी ही चाहिए आपको। भगवान करे मैं हमेशा ये कसूर करता रहूं और तुम मुझे हमेशा ये सजा देती रहो। जन्म जन्म तक हम दोनों एक साथ रहे। आप चले जाएंगे तो मैं आपका इंतजार करूंगी, पल पल गिनूंगी, घड़ी घड़ी का हिसाब रखूंगी, एक एक से आपकी बातें करूंगी। आशा, ये हम जुदाई की बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो मिलन की रात है आशा। मिलन की रात है ना? आप बहुत अच्छे हैं। सच? मैं बहुत अच्छा हूँ आशा, तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ ना, तुम ऐसी बातें ना सोचा करो आशा। अच्छा आशा, अब मैं चलूँ? आपने सब कुछ रख लिया ना? हाँ सब कुछ रख लिया। आपके रात के कपड़े? वो भी रख लिए। एक जोड़ी चप्पल? वो भी रख ली। शेविंग के लिए ब्लेड्स? दो ब्लेड रख लिए, और उसके साथ साथ शीशा, कंघा, बालों की क्रीम, साबुन, तौलिया सब रख लिया। आशा तुम मेरे बारे में चिंता ना किया करो। आपकी चिंता ना करो तो फिर काहे की चिंता करूंगी। अच्छा मैं चलो, बाय बाय। सुनिए, आशा आशा आशा, तुम उदास तो नहीं होगी? नहीं। जरा मुस्कुराओ तो। हाँ बस ऐसे ही रहना, हाँ जब तक मैं ना आ जाऊं ऐसे ही रहना, प्रॉमिस। वाह वाह मौसी, बरसों के बाद यहाँ आया हूँ, लेकिन चाय बिल्कुल वैसी की वैसी, उतनी मजेदार, लगता है समय बीता ही नहीं। वाह जी वाह, काम किसी का और इनाम किसी को। ये चाय तुम्हारी मौसी ने नहीं, मौसी की बेटी ने बनाई है। ओह आई सी, मौसी संध्या बड़ी तेज हो गई है। तुम्हें देखकर ही ज्यादा बोल रही है बेटा। हम तो दिनों तक इसकी आवाज ही नहीं सुनते। संध्या जा बेटा, जय को कमरे में ले जा, जरा मुंह हाथ धो ले, आराम कर ले, उठे महाशय जी। चलिए। संध्या, ये संध्या, बोलो ना संध्या, बोलो ना संध्या। अच्छा जी, चार दिन से आंखें सूर्य देखने को तरस गई और उल्टा हमी से रूठ गई, नाराज तो हमें होना चाहिए। मैं ना देखी। अच्छा ना, तू 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 ना, देखो देखो माना तुम्हें कॉफी के लिए नीचे बुला रही है। मगर कॉफी तो तुम्हारे हाथ में है। हाथ में है लेकिन लेकिन इसमें शक्कर नहीं है। शक्कर नहीं है? हाँ देखो तो शक्कर तो है। शक्कर है? कमाल है, शक्कर भी है, लेकिन तुम जाओ ना। देखो संध्या मैं तो चला जाऊं, लेकिन वो जो खिड़की में है ना वो नहीं जाना चाहता। खिड़की में? खिड़की में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? वाह घड़ी देखिए सरकार, उसने रात को 9 ही नहीं बजेंगे, जिस दिन प्रशांत का साथ इस चौकट पे नहीं होगा। खिड़की में तो कोई नहीं है। संध्या अब बोलो ना, जल्दी बोलो ना, तुम्हें वो पसंद है? पसंद है ना? अच्छा है वो, वेरी गुड। अब मैं मौसी के साथ जाकर कॉफी पीता हूँ। ओके कौन? मैं हूं, बैठी रहो। अच्छा
अजय के बिना घर सुना सुना लगता है ना। घर का कोई भी आदमी बाहर चला जाए तो ऐसे ही लगता है। घर में कोई बाल बच्चा हो तो ऐसा नहीं लगता। भगवान को मुझ पर दया नहीं आई। भगवान को नहीं आई? क्या तुम्हें भी नहीं आई? मुझे? किस पर? हम पर, इस घर पर। मेरे बस में क्या है? एक अंधी लाचार औरत कर ही कह सकती है। तुम अंधी जरूर हो लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूँ जो तुम्हें भी साफ साफ नजर आएगी। उस तस्वीर के दो पहलू, एक तुम और एक मेरा बेटा। पहले अपने आप को देखो, तुम क्या हो? एक गंदी बाज खुदगर्ज औरत जिसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। 7 साल शादी को हो गए, घर में एक बच्चा नहीं। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है मगर तुम सेवा करवाती हो। घर बिगड़ता है बिगड़ जाए, खानदान मिटता है मिट जाए, पति का सुख चैन लूटता है लूट जाए और तुम कहती हो अंधी हो लाचार हो कर ही क्या सकती। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखो। मेरा बेटा जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, किसी चीज की होश नहीं, सिर्फ तुम्हारा साया बनकर रह गया। न किसी काम की लगन, न कहीं आने जाने से मतलब, दिन रात तुम्हारे पास बैठा रहता है। उसका प्यार एक त्याग है, बलिदान है। अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर देखता था कि अंधों को क्या तकलीफ होती। अंधी अंधी तुम जरूर हो लेकिन अकल की अंधी नहीं। तुम जानती हो, जानती हो कि मकान जायदाद रुपया पैसा बहुत कुछ है और मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारे पास आने वाले हैं। इसीलिए मेरी दौलत पर साफ बनकर बैठे। बाजी बस कीजिए, बस कीजिए। मैं वाकई बड़ी खुदगर्ज और लालची हूँ। कभी एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि एक अंधी और बांझ औरत किसी को क्या दे सकती है। मुझे कोई हक नहीं है जिंदगी भर उन पर बोझ बनी रहूं, इस खानदान का नाम मिटा दूं, इस घर का चिराग बुझा दूं। सच कहती हूँ, मुझे मकान जायदाद रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना चाहती थी उनकी और आपकी जूतियों में पड़ी रहती। मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं आंखों की अंधी नहीं, अकल की अंधी भी हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? ओहो, मेरा बोलना भी तुम्हें गला फाड़ना लग रहा है? मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा? चश्मा आंखों पर लगाने वाला आला, वो गोल गोल चीजों वाला जिसके बगैर ना मैं पढ़ सकता हूँ ना मरीजों को देख सकता हूँ। क्या मैं चश्मा भी नहीं समझती? मैं कोई जाहिल गंवार नहीं, मेरा बाप भी चुंगी में बाबू था। तुम्हारे घर आकर मट्टी खराब हो गई। कोई बाल बच्चा होता तो उसी से जीने ला लेती। अरे बाल बच्चा मैंने देना है क्या? बच्चा देने वाला ऊपर वाला है, उससे कहो मेरा चश्मा ढूंढो। ये क्या है? ओहो, मैं भी तेरी तरह पागल हो गया हूँ। बगल में लड़का और शहर में ढिंढोरा, कमाल है। आशा, ये आशा बेटी तू? अरे आओ बेटी आओ। अरे आओ बेटा, रुक क्यों गई हो? आओ आओ इधर इधर। हाँ बेटा। आशा क्या बात है बेटे, तू ठीक तो है ना? मेरी आंखें चली गई है और अभी तक किसी ने मुझे खबर नहीं दी, दो पैसे का खाते लिख देते हुए। मैंने ये रोक दिया था, सोचा मैं ठीक हो जाऊंगी लेकिन अब तू ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, ठीक हो जाएगी, तेरा भाई तुझे ठीक करेगा, भले मुझे अपनी आंखें न देनी पड़े। रोने गिरनार जी एंड कंपनी 17,500। आ गया बेटा? हाँ माँ, पाए लागू। जुग जुग जी हो, अच्छे तो रहे। हाँ माँ। काम हो गया? काम बिल्कुल ठीक हो गया माँ। जगदम्बे जगदम्बे, उमर साहब जाए और काम न हो मालकिन। अच्छा माँ, अब मैं ऊपर जाता हूँ, आशा मेरा इंतजार कर रही होगी। बेटा आशा ऊपर नहीं है। नहीं है? वो तो तुम्हारे जाने के तीसरे ही रोज अपने भाई के घर चली गई। अजीब बात है,
मेरे जाने तक तो उसका कोई इरादा नहीं था, ये अचानक कैसे चली गई? उसके जी की मैं क्या जानू बेटा, कहने लगी जी नहीं लगता। ओ समझा, मेरे बगैर यहाँ उदास हो गई होगी। माँ मैं कल सुबह उसे जाके ले आऊंगा। हाँ शांति, आशा ने कोई बात की? तुम भाई बहन जिस दिन मुझसे बात करोगे दुनिया का दस्तूर ही बदल जाएगा। जब देखो जबान पर कटार लिए बैठी रहती हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आशा और उसकी सास एक घंटे से ऊपर क्या कर रहे हैं। आशा ने कुछ तो बताया होगा। वो आएगी तो खुद पूछ लेना। मुझे तो आशा की ससुराल वालों की नीयत अच्छी नहीं लग रही, ना जाने ऊपर एक घंटे से क्या खिट्टी पक रही है। मैं आपको वचन देकर आई थी, आपकी बेटी की जिंदगी से निकल जाऊंगी, उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। मेरी बात का विश्वास नहीं आया था आपको? नहीं ये बात नहीं। अजय कल तुम्हें खुद लेने के लिए आने वाला है। मैं जानती हूं आशा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसके आने से कहीं तुम्हारा मन ना बदल जाए, ये बात जतलाने आई थी। नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा उनके रास्ते से हट जाना ही ठीक है, इस बात का मुझे यकीन हो गया है। इसी में उनकी खुशी है, मैं ये खुशी बर्बाद नहीं करूंगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अच्छा अब मैं चलती। देर क्या बातें होती रही बेटे? वो मुझे लेने आई थी, मैंने कह दिया नहीं जाऊंगी, मेरी बात का यकीन नहीं आता। नहीं भाभी कहाँ है? रसोई में। एक बात पूछूं भैया? पूछो बेटे। मैं तुम्हारे पर बोझ तो नहीं हूँ? मैंने तुम्हें गोद खिलाया, अपनी औलाद की तरह पाला है, तुम मुझ पर बोझ कैसे हो सकती है? आशा अगर मुझे कभी भगवान मिले और ये पूछे कि बता तेरी तमन्ना क्या है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मुझे जितने जन्म भी मिले आशा को मेरी छोटी बहन बनाकर ही भेजना। भैया तुम्हारे पास मुझे माँ का प्यार मिल जाता है। भैया आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। बताओ बेटे। मैं उस घर से खुद चली आई हूँ। क्यों? उन्हें बच्चा चाहिए था, खानदान का नाम जिंदा रखने वाला, उनके वंश को आगे चलाने वाला। मैं उनकी तमन्ना पूरी नहीं कर सकी। बाहर गए हुए थे, मैं उन्हें बिना कहे चली आई। कल वो यहाँ आ रहे मुझे लेने के लिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं भैया, बहुत प्यार करते हैं। मगर मैं उनकी खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहती, रास्ते से हट जाना चाहती हूँ। भैया इस काम में मेरा हाथ बताएंगे ना? हाँ कहो भैया, हाँ कहो। हाँ बेटे अगर तेरी खुशी इसमें है तो ठीक है। भैया चलो आपसे कुछ वो तुझे लेने आएंगे और तुम्हें उनको वापस भेजना होगा हमेशा के लिए। तुम कैसे करोगी? कैसे कैसे? क्या ये सच है कि तुम मेरे साथ अपने घर नहीं जाना चाहती हो? हाँ। क्यों आशा?
माँ ने कुछ कह दिया क्या? मैं जानता हूं आशा, तुम अपने वचन की बड़ी पक्की हो, माँ के खिलाफ कभी कुछ ना कहोगे। लेकिन आशा, वो वचन तो मैंने तुमसे दिया था, आज मैं ही तुमसे पूछ रहा हूं, क्या बात है आशा? बात सिर्फ इतनी है, एक घर में एक ही औरत रह सकती है, और उस घर में मैं रहूंगी या आपकी माँ। आशा, आशा, ये तुम कह रही हो आशा? तुम? ठीक है आशा, ठीक है। अगर तुम अपने घर से दूर खुश रह सकती हो आशा, तो जरूर रहो, जरूर रहो। लेकिन एक बात याद रखना आशा, वो घर हमेशा हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। अजय, अजय, आशा, आशा, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो अजय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। इजाजत लेकर अंदर खड़ो रखते हैं। लगता है आज भी मरीज नहीं आया। मरीज तो नहीं, लेकिन अभी अभी एक बदतमीज आया। ओहो, बड़े बिगड़े हुए तेवर हैं। भाभी से खटपट हो गई क्या? तमीज से बात करो मिस्टर। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तो मुझे उस वक्त हुई थी जिस दिन मैंने तुम्हें शरीफ समझ लिया था। क्या मतलब? मतलब मेरा तो साफ है, तुम अपना मतलब बताओ, यहां से चलते बनो। डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी आशा को यहां से लेने आया हूं। आशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो पांव की जूती नहीं है, जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार कर फेंक दिया। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और आशा को पांव की जूती समझूं? मैंने तो हमेशा उसे अपनी पलकों पर बिठाया है। ये सब बकवास है, पहले उस बुढ़िया से पूछो। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? तुम्हारी माँ। और कौन? डॉक्टर साहब, आप मेरे बारे में जो चाहे कह सकते हैं, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा था। और आप लोग जो चाहे कर सकते हैं, आप लोग जो चाहे कह सकते हैं, ये कंधी और लाचार को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं। ठाकुर साहब, अगर आप लोगों को अपनी दौलत का नशा है, तो हम गरीबों को भी अपनी इज्जत का नशा है। चले जाइए यहां से, आशा उस घर में वापस नहीं जाएगी। मैं ये सब कुछ आशा की जबान से सुनना चाहता हूं। नहीं, आशा से तुम नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? आशा मेरी बीवी है। बीवी है नहीं, थी। वो सिर्फ मेरी बहन है। कुछ भी हो, मैं आशा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मिस्टर रुक जाओ, मुझे बदतमीजी पर मजबूर ना करो। तुम तो आंखों वाले हो, रास्ता तुम्हें साफ नजर आ गया होगा। मेरी बहन तो अंधी है, चार ठोकरें खाकर ही यहां पहुंची होगी। चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ, निकल जाओ यहां से। अकल बेच खाई है क्या? जवाई बाबू से ऐसा बर्ताव करते हो? तुम चुप रहो जी। तुम लाग डालते रहो, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। आशा हमारी बेटी है, जिंदगी भर हमारे पलकों पे रह सकती है, मगर ब्याह देने के बाद पति का घर ही उसका घर है, उसका जीवन मरण उसी चौखट पर है। चलिए अजय बाबू, आशा ऊपर है। शांति, मर गई शांति। तुम बहन के दुश्मन हो गए हो, तो मैं भी हो जाऊं क्या? चलिए अजय बाबू, चलिए। आशा अभी तो इधर ही थी। आशा की साड़ी।
साहब, ये रही आपकी आशा, ले जाइए इसे अपने घर ले जाइए। मेरी आशा ससुराल जाएगी, मेरी बच्ची ससुराल जाएगी। आशा चली गई कुंवर साहब, आशा चली गई, जिसे मैंने बच्ची की तरह पाला, जिसे देख देख कर मैं जीता रहा, जिसने हमेशा अपने भाई की गरीबी पर पर्दे डाले, आज आज वो लूट कर चली गई। और रूटी भी ऐसी कुंवर साहब कि जाते जाते अपने गरीब भाई को उसकी साड़ी भी वापस कर गई। जाइए ठाकुर साहब, जाइए अपने महलों में जाइए, फिर से तेरे बांधिए, फिर से शहनाइयां भिजवाइए, आपको तो सैकड़ों बीवियां मिल जाएंगी, मगर मुझे मुझे मेरी बहन कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जाइए जाइए कुंवर साहब, अब यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है। डॉक्टर साहब, कहाँ जाऊँ डॉक्टर साहब, अब मेरी दुनिया में भी क्या रखा है। ना जाने रात को आपकी माँ ने मेरी बच्ची से क्या कहा, क्या कहा मेरी बच्ची से, मेरी बच्ची से क्या कहा। बहू को लाने गए थे ना, कहाँ है वो बहू, कहाँ है? लाश नहीं मिली, ये साड़ी लाया हूं ताकि तुम्हें यकीन हो जाए आशा मर गई है। आशा मर गई, ये सब कैसे हो गया बेटी? आशा की मौत की खबर सुनकर तुम हैरान हो रही हो, तुम जिसने अपनी जबान से उसे मौत का हुक्म सुनाया। ये झूठ है, ये गलत है आदि। तो सिर्फ इतना बता दो, तुम रात वहां क्या करने गई थी? क्या कहा था तुमने मेरी आशा को, क्या कहा था तुमने, क्या कहा था तुमने मेरी आशा को? अजय, अजय मेरे बेटे, मुझे बेटा रखो, मेरे लिए मेरी आशा मर चुकी है, तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा। अजय, माँ जिस तरह मेरी दुनिया उजड़ गई है, इस तरह तुम्हारी हवेली भी उजड़ जाएगी, और तुम अकेली सुनसान हवेली में चीखोगी चिल्लाओगी, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं आएगी, कभी नहीं।
मैं कहाँ हूँ? तू हमारे घर में हो बिटिया, हम ही तुम्हारा कपड़ा बदल कर अपनी धोती पहना दिए। तुम कौन हो? हाय राम, तुमका दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम कौन हो? डरो नहीं बेटिया, हम अंगनवा धोबी, आई हमार जनाना मलिनिया है, तुम गंगा जी में बह गई, भगवान हाथ दिया और हम अपने घर ले आए। ओ, तो मेरी किस्मत में मौत भी नहीं है, तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया, क्यों बचाया? ऐसा ना कहो बिटिया, दुख से हार कर कोई अपना जीवन हारे है? तुम अपना पता बताई दे, हम तुमका पहुंचाई दे। नहीं नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। डॉक्टर साहब, माजी साहब, आप लोग बहुत खुश नसीब, भगवान ने बड़ी दया की है आप पर। सच कहिए डॉक्टर साहब, मेरे अजय को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, अजय बाबू का कोई खतरा नहीं है, मगर कुछ दिनों के लिए उन्हें यहीं रहना होगा। होश में तो आ गया है ना? बिल्कुल, मैं उससे मिल सकती हूँ एक मिनट के लिए? डॉक्टर साहब सिर्फ एक मिनट के लिए। मिल दीजिए, मगर ज्यादा डिस्टर्ब ना कीजिएगा। अजय, अजय, अजय मेरी तरफ देखो बेटा, क्या अपनी माँ से बात नहीं करोगे? अजय प्लीज, आप पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चल। अजय, भाभी कल्पना, कितने दिनों के बाद देखा तुम्हें, आज राखी है ना? सोचा आशा तो भैया को कोई राखी ना बांधेगा क्या? वो भी सुबह से यूं ही बैठे, ना रोटी ना पानी, बार बार एक ही बात कहते, मेरी आशा राखी नहीं कराएगी, मेरी आशा। मैं कल्पना हूँ, कल्पना। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे, मैं सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। शांति, कल्पना से कह दो कि मैं आज से किसी बहन को राखी के दिन साड़ी नहीं दूंगा, साड़ी नहीं दूंगा। मेरे बिछड़े साथी सुनता जा, मेरे गीत है तेरे लिए, मेरे बिछड़े साथी सुनता जा। सुनता जा मेरे गीत है।
सोची थे थाने में रपट लिखाए दे, पर मन कहा था कोनो घर की इज्जत है बदनामी हो जाइए। समय आ गया अपने आप कह दे है। हमका तो कोनो बड़े घर की दिक्कत है, उनके हाथ में अंगूठी है ना, हीरे की है हीरे की। अब बड़े घर की हो चाहे छोटे घर की, सुख और दुख तो सवाई के साथ रहता है। ये धोती जोड़े और कंबल सब दिल लिए गए ना? जी सर। सर बराबर है जी। जय जय। कुंवर साहब आप अच्छे होकर आ गए, इस हवेली को नया जीवन मिल गया। कौन साहब लाख लाख धन्यवाद है जगदम्बे को। मातेश्वरी कुंवर साहब ये धोती जोड़े और कंबल ब्राह्मणों और भिखारियों में बांटने के लिए मंगाए गए हैं, आप जरा इन्हें हाथ लगा दें, बस काम शुरू कर दिया जाए। जिन्हें मेरे बच जाने की खुशी है उन्हें के हाथ लगवा दो, मुझे कोई खुशी नहीं। कुंवर साहब मुनीम मालकिन हाजे कमर मेरी तरफ से साफ न हुआ तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता न कीजिए मालकिन, समय बड़ा बलवान है, कौन नहीं भूला और कौन नहीं भूलेगा। आप मेरी मानिए तो थोड़े दिनों के लिए संध्या उनकी माताजी को यहीं बुलवा लीजिए, बात बनते देर नहीं लगेगी। मगर मुनीम जी आप चिट्ठी तो भिजवा दीजिए, जगदम्बे सब अच्छा करेंगे। हम पूछा था आज घाट पर न जाइ होगा, यहाँ बैठे गुड़गुड़ करियो तो खाई होगा। अरे घाट पर जाए की सोच रहे हैं पर का करी, बिटिया की चिंता खाया जात है। इतने दिन हुए गवा बैद्यनाथ की दवा खात लेकिन कोनो फायदा नहीं भवा, भूख तो बिल्कुल नहीं लगत है और जोर जबरदस्ती करके कुछ खा लेते हैं तो उगल देते हैं। इतनी उम्र हो गई पर रहे बैल के बैल। अरे बचिया के ताऊ बिटिया के कोनो बीमारी ना आए, उसके दिन चढ़े हैं दिन दिन। समझ पर पत्थर पड़े हैं का? बिटिया माँ बनने वाली है, माँ माँ। अरे सच मलिनिया सच। जय हो गंगा मैया जय हो, बिटिया पहले भेज दी अब तो हम नाना बनने वाले हैं। माँ मैं माँ बनूंगी। बच्चा बच्चा का चेहरा संध्या तुम्हारी माँ ने और मैंने बचपन में गुड़ियों का ब्याह रचाया था। आप दोनों ने? अरे अजय आ गए। अजय संध्या तुम कब आए? वाह जी वाह, जैसे मालूम है नहीं हम कब आए। आओ ना माँ से नहीं मिलोगे? मौसी को माँ से बातें करने दो, तुम आओ मेरे साथ। अरे आओ संध्या। कितने अच्छे तस्वीर है तुम्हारे। ओ हाँ अजय कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर कहना नहीं आता, बस यूं समझ लो कि तुम्हारे दुख में मैं भी शरीक हूं। संध्या ये तो दुनिया है, अपने अपने हिस्से का सुख दुख सभी को मिलता है। खैर तुम कोई अच्छी सी बात सुना। मैं क्या सुनाऊं? ये बताओ कि वो महाशय अभी तक खिड़की के बाहर ही लटके हुए हैं या उन्हें दरवाजा मिला है? कौन? अरे वही जिनके ना आने से रात के 9 नहीं बजते। धन्य हो प्रभु, आज एक जमाने के बाद इस घर में हंसी की आवाज सुनाई दी। गायत्री तुम चाहते तो ये हंसी हमेशा इस घर में रह सकती है। संध्या को अपने चरणों में जगह दे दो, बहू बना लो उसे। लाजवंती तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। भगवान जगदम्बे जगदम्बे। मौसी हाँ एक बात पूछो। नहीं एक आ दो ही पूछो। मुझे डर लगता है कहीं बच्चा मेरी तरह अंधा हुआ तो। छी तुम तो बौर आई गई हो, ईदा कोई छोटी बीमारी है जो बच्चे को लग जाएगी। अरे हमार लल्ला तो चंदा की तरह सुंदर हुई है
और आंखें हुई हैं ये बड़ी बड़ी। बिटिया, घर की नासा ही बच्चे के बाप की याद तो आती ही होगी। मौसी, बिटिया अब तो पता ठिकाना बता दो। मौसी, मैंने तुम लोगों से बहुत कुछ पाया है, बस एक भीख और मांगती हूँ, मुझसे उनका नाम न पूछा करो। पूछा करो मौसी। आग लगे हमारे मुंह में जो आज के बाद पूछूं। नहीं पूछा बिटिया, अब कभी नहीं पूछा। ये हार मुझे मौसी ने दिया है। हाँ बेटी, ये हार इनके खानदान का बड़ा पुराना हार है, इस घर की हर नई बहू को पहनाया जाता है। बहू? हाँ बेटी, मौसी तुझे बहू बना रही है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। आहिस्ता बोल, इन लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करवाएगी? इतने बड़े घर की बहू बना रही हूँ तुझे, और क्या चाहिए? मुझे सिर्फ इतना बता दो माँ, क्या अजय को इस बात का पता है? पता क्यों नहीं, उसकी शादी की बात और उसकी मर्जी के बगैर होगी? आओ संध्या। मेरा नाम तुम्हारी जबान से गाली की तरह लगता है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? बात क्या है संध्या? बात भी मालूम नहीं? अगर आशा के मरते ही दूसरी शादी का ख्वाब रचना था तो उस गरीब की मोहब्बत का स्वांगी क्यों भरते रहे? ये तुम क्या कह रही हो संध्या? मेरे और प्रशांत के बारे में सब कुछ जानते हुए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे अपने घर ले चलो माँ, अभी इसी वक्त। मगर संध्या बेटी, मेरा दम घुटता है इस घर में, समझी? मैं जा रही हूँ। माँ, क्या ये सच है? हाँ बेटा, मैं तुमसे बात करने ही वाली थी। दरअसल तुम्हारी मौसी और संध्या यही थी, अचानक तुम्हारी शादी की बात निकल पड़ी और पक्की भी हो गई। एक बात अच्छी तरह समझ लो मां, अब इस घर में बहू कभी नहीं आएगी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो बेटा। मैं जानती हूं दूसरी शादी का ख्याल तुम्हारे दिल से बहुत दूर है, फिर भी मैं जिद करती हूं तो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं, सिर्फ इस घर के लिए, इस खानदान के चिराग के लिए। तुम कौन से चिराग की बात कर रही हो मां? वो चिराग तो कब का बुझ गया। आशा की मौत के साथ ये खानदान हमेशा के लिए खत्म हो गया। नहीं, कभी नहीं। एक मरी हुई बीवी की याद हमारा नामो निशान नहीं मिटा सकती। तुम शादी करोगे और जरूर करोगे। तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हारे मरे हुए बाप की सौगंध खाके कहती हूं, आज से मैं अन्न और जल का वो नहीं देखूंगी। मां, मां, दरवाजा खोलो मां। ये तुम क्या कर रही हो मां? अब ये दरवाजा उस रोज खुलेगा जब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगे, या फिर उस रोज जब तुम मेरी लाश उठाने आओगे। कहाँ जा रही हो? कमला से मिलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हें एक बार नहीं 100 बार कह दिया है कि अब तुम किसी की मंगेतर हो, अब तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। तुम मुझे इस तरह कह नहीं कर सकती। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, समझी?
माँ दरवाजा खोलो माँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। जिद छोड़ो माँ, दरवाजा खोलो, थोड़ा सा खाना खा लो माँ। साहब ले जाओ। प्रशांत, मैं वापस जाना नहीं चाहती हूँ। प्रशांत मुझे ले चलो, कहीं भी ले चलो, मुझे अपने सीने में छुपा दो। प्रशांत मुझे अपने सीने में छुपा दो। मैंने तुमसे मोहब्बत मोहब्बत ही नहीं पूजा की है तुम्हारी। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन तुम्हारे नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कुंवर साहब, शास्त्रों में लिखा है कि मातृहत्या से बढ़कर दूसरा पाप नहीं। आज चार दिन हो गए हैं, मालकिन की हालत बराबर बिगड़ती जा रही है। आपको हवेली के कारोबार के लिए रखा गया है, आप वो देखिए। मैं अपनी औकात जानता हूं सरकार, मगर आप जा सकते हैं। जाता हूं। ठाकुर साहब, माँ जी तो मेरे लिए भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। ब्लड प्रेशर की तकलीफ तो उन्हें पहले ही से है, मुझे तो डर लगता है ठाकुर साहब। इस घर से मेरा नाता इतना पुराना है ठाकुर साहब कि आपसे साफ साफ कह देना मैं अपना हक समझता हूं। आप कुछ भी कीजिए, माँ जी को व्रत तोड़ना ही होगा, वरना अगले 12 घंटों में कुछ भी हो सकता है और फिर उनको बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। थैंक यू डॉक्टर। मां दरवाजा खोलो। मां तुम्हारी बात रहेगी, मां मैं हारा, तुम जीत गई। दरवाजा खोलो मां। मां मां मैं तुम्हें वचन देता हूं, संध्या की शादी होगी और जरूर होगी। अरे मलिनिया बोल का हुआ, अरे जल्दी बोल का हुआ। हमारे मुंह का टुकड़ टुकड़ देखा था, जा हलवाई से मोती चूर का लड्डू ले आ। मोती चूर का लड्डू? अरे तब तो बेटवा बा, बोल जल्दी बोल ना। हाँ हाँ बेटवा। अरे जय हो गंगा मैया, जय हो, जय हो। ये और देखिए, ये राजस्थान की खास चीज है। बस बस ये 6 सेट काफी है। मेरे कहने से और रख लीजिए, कुंवर साहब के जब पहला बच्चा होगा ना तब दीजिएगा बहू को। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर लो। अरे बिटिया क्या कर रहे थे? मौसी जो ही मन में आया इसकी आंखों को छू कर देखूं। हाँ हाँ तुमका छूकर पता चल जाता है, और हम आखन वालों जो कहा था सब झूठ है ना? ठीक है मलिनिया, ना बिटिया सच कहा था ना सच सुना था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? काहे ना कही, बच्चा के मुंह देख के
दुनिया के मन खिल जाते, और एक हम है बच्चा का मुंह देख के मन रोवत है, सूरत राजकुमार जैसे भाग बेकारी का, न जाने कौने बंस का चिराग हुई है जो महतारी के जिद के कारण एक गरीब धोबी की कुटिया में पल रहा है। देखो बिटिया, मन जरिए तो जबान जरूर बोली है, जयका मखमल के बिछौना हुए का चाहत रहा, वो चटाई पर सोवत है, जयका सोने के पलने में झूले का चाहत रहा, वो मैले कपड़े में झूल रहा है। बाबा कुछ तो सोचो बिटिया, जब ही बड़ा हुई है चले फिरे लगी है, का खाइए सूखी रोटी, का पहनिए लोगन के बच्चन के उतारे कपड़े, आए? और जब बच्चे ऐसे के बाप का नाम पूछी है तो का कही है, माताजी बाप का नाम बतावे से इनकार करत है, तो दुनिया का कही है, दुनिया यही कही है, नहीं कहेगा कोनो बाप नहीं है। नहीं, मेरे भाइयों को बुला दो, मेरे भाइयों को बुला दो, वो उनकी अमानत पुस्तक पहुंचा देंगे। अबे घन चक्कर, वो बीच की जगह क्यों छोड़ दिए, खर्च हमारा हो रहा है और पसीना तुम्हें आ रहा, अभी लगा देता हूँ। लड़की वालों का बंगला तैयार हो गया मालकिन, बंगला तैयार हो गया, पंडाल बन गया, लड़की वालों को लेने के लिए गाड़ियाँ स्टेशन भेज दी गई, और हाँ सेहरा लाने के लिए किसी को दिल्ली भिजवा दीजिए। मालकिन वो तो मैंने पहले ही भिजवा दिया है। जगदम्बे जगदम्बे, अच्छा भाई साहब हमें आ गया। डॉक्टर साहब आप हमारे घर की रौनक लिए जा रहे हैं, अगर हम आपसे कहे थे हम कबहू नहीं रो, कबहू नहीं रो, हमारी बिटिया खुशी खुशी विदा हो जाए, अपन राजपाट संभाले, हम कबहू थे। अच्छा बहन, बिटिया 40 दिन पूरे भय पर मुन्ने के अखिल में सुरमा जरूर डालियो, और बेटिया ख्याल रखो रात को 2 बजे ही का आँख खुल जाता है। चिंता न करो बहन, 24 घंटे हम सब इसकी नौकरी में लग जाएंगे, 2 घरों का चिराग है। 2 घर का ना ही बहनी, 2 घर का ना ही, 3 घर का चिराग है, हम लल्ला के पहली बार गोद खिलावा है। डॉक्टर साहब हमारी एक छोटी सी विनती है, बिटिया को बहू कहूं हमारे कुटिया में आ जाएगा। बाबा क्यों ना आऊंगी, जरूर आऊंगी, मैं इस घर को और तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। आशा सीढ़ियां हैं। दया और करना, इस घर का चिराग रोशन हो जाए, मेरे अजय के घर बच्चा हो जाए, फिर और कुछ नहीं मांगूंगी भगवान, कुछ नहीं मांगूंगी भगवान, दया दया। वाह बाबा, ये भगवान भी खूब है, कितनी जल्दी सुनता है पैसे वालों की, चाहे ये पैसे वाले उसका नाम लेकर किसी गरीब के गले पर छुरी क्यों ना फेरते। तुम ये क्या कह रहे हो? अभी अभी भगवान से घर का चिराग मांग रही थी ना, उसने आपकी सुन ली है,
अगर वो ऐसे ही सुनता है तुम्हारी तो उससे इतना और मांग लो कि इस गरीब की अभी मौत हो जाए ताकि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहन का संसार उजड़ते हुए ना देख सकूं। भैया आशा बहू तुम जिंदा हो? प्रणाम माँ जी। लो लो अपने घर का चिराग और हमें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरे घर का चिराग, मेरे घर का चिराग, मेरा बच्चा, मेरे हृदय का बच्चा। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपको दिया हुआ वचन तोड़कर यहाँ चली आई। मैं आना तो नहीं चाहती। इन बातों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है बहू। इस वक्त तो शादी को रोकना होगा, बारात को रोकना होगा। अजय, ये शादी नहीं, पाप है, अनर्थ है, रोको, अजय को रोको, अजय को रोको। मंगलम कुंडलिका शौ मंगलाय धनुवाय शरणे अम्बके गौरी नारायण भगवान। इस पाप का फल मैं कौन से जन्म में भुगतूंगी? आजे कोई पाप नहीं हुआ माँ, कोई अनर्थ नहीं हुआ। आजे अजय तुम? हाँ माँ, मैंने तुम्हें वचन दिया था संध्या की शादी जरूर होगी, वो मैंने पूरा कर दिया। लो बेटा अपने प्यार की निशानी को गले से लगा लो। माँ ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटा, ये तुम्हारा बच्चा है, हमारे खानदान का चिराग। मेरा बच्चा? तो फिर आशा जिंदा है? आशा जिंदा है? कहाँ है डॉक्टर साहब? राधा कहाँ होगी? अपने शाम के मंदिर में घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे घर मैं जा रही हूं, अब मेरी यहां कोई जगह नहीं। मुझे वापस न बुलाना, तुम्हारी चौखट ने मुझे दुल्हन बनकर आते देखा, तुम्हारी चार दीवारी में मेरे प्यार के सपने सच हुए, मगर मैं ऐसी पापन हूं कि अपने आप को तुम्हारे काबिल न बना सकी। मुझे माफ कर देना, तुम्हें तुम्हारे देवताओं का वास्ता, घर वालों की रक्षा करना, नई आने वाली बहू को उसी तरह अपने सीने में छुपा लेना जिस तरह से गरीब को छुपाया था, उसके वो तमाम सपने सच कर देना जिन्हें लेकर वो तुम्हारी शरण में आ रही है।